हेलो गाइस, वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ट्यूटोरियल। इस वीडियो में आपको डेटा की टाइप के बारे में बताऊंगा कि इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले इसमें हमारे पास एक्सटर्नल डेटा है। आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक्सटर्नल डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमारे फ्रॉम एक्सेस, आपके पास एक्सेस की कोई डेटाबेस पड़ी है तो आप उसको यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। जिस तरह मेरे पास एक डेटाबेस है तो मैं यहाँ पर इसका डेटा इम्पोर्ट कर सकता हूँ। टेबल पिवट चार्ट को इंपोर्ट करना चाहते हैं, जो चाहते हैं आप उसको। मैं टेबल चाहता हूँ तो यह देखिए हमारे पास एक टेबल, उससे इंपोर्ट हो गया। इसी तरह फिर डेटा में हम वेब पेज से कोई डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं, फ्रॉम टेक्स्ट फाइल से इंपोर्ट कर सकते हैं, अदर सोर्स से। आपका एसक्यूएल सर्वर है, एक्सएमएल, बाकी जितने भी आप डेटा कनेक्शन आप उसको यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एग्जिस्टिंग कोई कनेक्शन है आपके पास, जिस तरह हमने अभी टेबल को इंपोर्ट किया, इस तरह हमारे पास अगर कोई और टेबल हमने इंपोर्ट किया हो तो वो हमारा एग्जिस्टिंग कनेक्शन आ जाए। इस तरह टेबल हम यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। और मोर को इंपोर्ट करना चाहते हैं, फॉर मोर, तो आप मोर में देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं स्टूडेंट रिकॉर्ड को यहाँ पर इंसर्ट कर लेता हूँ। ये हमारे पास तमाम स्टूडेंट का रिकॉर्ड, हमारे पास यहाँ पर एक टेबल हमने यहाँ पर डेटाबेस से इंसर्ट कर लिया। ठीक है, फिर डेटा में हमारे पास न्यू क्यूरी है। आप यहां से भी फ्रॉम एक्सेल से, सीएसवी से, एक्सएमएल से, टेक्स्ट से इंपोर्ट कर सकते हैं, डेटाबेस से इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह बाकी ऑनलाइन सर्वर हैं, अदर सोर्स हैं। ठीक है, आप यहां से अपने डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्यूरी से वगैरह आप शो करवाना चाहते हैं, क्यूरी शो कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप टेबल से भी डेटा इंपोर्ट करना चाहते हैं तो इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप हमें क्यूरी शो होंगी। ठीक है, जो भी क्यूरी है, वर्कबुक क्यूरी जो भी होंगी हमें यहाँ पर शो होंगी। ठीक है, जीरो क्यूरी है, हमारे पास कोई क्यूरी नहीं है। इसी तरह फ्रॉम टेबल, किसी टेबल से डेटा को इंपोर्ट करना चाहते हैं इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सब हमारे पास जितने भी टेबल होंगे वो हमें शो होंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो टेबल है वो यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर इसको इंपोर्ट करना चाहते हैं इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, पावर क्यूरी एडिटर हमारे पास आ जाता है, तो यहाँ से हम डेटा को इंपोर्ट करना चाहते हैं इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, डिस्कार्ड। इसके अलावा रिसेंट सोर्स आप इंपोर्ट कर सकते हैं, और अपनी एक्सेल शीट को रिफ्रेश करना चाहते हैं रिफ्रेश कर सकते हैं। ठीक है, रिफ्रेश करने से आपका जो डेटा हो वो लोड हो जाएगा। ठीक है, रिफ्रेश ऑल करना चाहते हैं तो इसको रिफ्रेश कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कनेक्शन है, कोई डेटाबेस का कनेक्शन आप ऐड करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास कनेक्शन आ गए हैं, क्लोज करें। ठीक है, और इसके अलावा प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज जिस तरह के हमारे पास डेटा को फॉर्मेटिंग लेआउट करना चाहते हैं, ठीक है, इंसर्ट न्यू डेटा, ठीक है, ओवर राइट करना चाहते हैं ओवर राइट कर सकते हैं। जब कोई न्यू टेबल इंसर्ट हो तो आप इसकी प्रॉपर्टीज को सेट करके आप उसको चेक कर सकते हैं कि न्यू डेटा इंपोर्ट हो वो ओवर राइट हो या जो भी हो, आप उसको सेट करना चाहते हैं सेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं ए टू जी, ये एस टू जी, इसी तरह इसको फिर आप जी टू ए सॉर्ट कर सकते हैं, या मुख्तलिफ सॉर्ट की मुख्तलिफ टाइप हैं। आप फॉर एग्जांपल आप नेम को सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है, सेल कलर को आप, इसी तरह आप, ठीक है, ऑन टॉप ऑन बॉटम, ठीक है, एड लेवल, मजीद लेवल ऐड करना चाहते हैं, इसके अलावा फादर नेम को भी सॉर्ट करना चाहते हैं तो सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सॉर्ट आ गया। इसी तरह आप इसको फिल्टर करना चाहते हैं फिल्टर कर सकते हैं, जिस तरह कि आप नेम सर्च करना चाहते हैं, इस तरह आप कंटेक्ट नंबर, एड्रेस या फोन नंबर, रिलीजन, जो भी आप फिल्टर करना चाहते हैं फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, फिल्टर को क्लियर करना चाहते हैं क्लियर करें। ठीक है, रीअपीयर करना चाहते हैं रीअपीयर, इस तरह एडवांस फिल्टर है, आप एडवांस फिल्टर करना चाहते हैं एडवांस फिल्टर, रेंज क्राइटेरिया, ठीक है, यूनिक रिकॉर्ड ओनली ओके करें तो आपके पास ये फिल्टर हो जाएगा एडवांस फिल्टर। ठीक है, ये था सॉर्ट एंड फिल्टर। इंशाल्लाह डेटा टूल
और इन दो चीजों के बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इनको कैसे यूज कर सकते हैं।